इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। फोन टैपिंग का मामला एक बार फिर से राजनीति के गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल एप्पल के आईफोन इस्तेमाल करने वाले नेता असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, शशि थरूर और राघव चड्ढा समेत कई नेताओं ने मंगलवार को एक वार्निंग मैसेज शेयर किया है और आरोप लगाया कि उनकी टैपिंग हो रही है। आपको बता दें कि ओवैसी समेत कई नेताओं ने एप्पल के वार्निंग मैसेज को शेयर किया, जिसमें लिखा था कि एप्पल को लगता है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स की ओर से टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद एप्पल का भी बयान सामने आया है और उसका कहना है कि यह झूठी चेतावनियां हैं और सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि मैं फोन टैपिंग से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, सीताराम येचुरी समेत कई नेताओं को ऐसे मैसेज आए हैं। उन्होंने कहा कि कम ही लोग भाजपा और अडानी से लड़ रहे हैं, आप जितना चाहे फोन टैप कर सकते हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं। इसके साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आप चाहे तो मैं आपको अपना फोन दे सकता हूं, हम डरते नहीं है और लड़ने को तैयार रहते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जमकर इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। आइए हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर फोन टैपिंग के मामले को लेकर निशाना साधा है। राइट, इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है।